अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत अली। बता दें कि एनिमल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्बास खान ने एक कैंटर गाड़ी से 29 भैंस व 14 पडरू मुक्त कराए हैं। पुलिस ने पशु क्रूरता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी सलीम, रमेश मीणा और गोपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। प्रतिदिन खबर देखने के लिए हमारे मेवा सिटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको बता दें कि मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल खान ने कहा कि गुप्त सूचना मिली कि पिरोजपुर झरका की तरफ से एक ट्रक यूपी की तरफ जा रहा है, जिसमें 29 भैंस व 14 पडरू से भरी हुई हैं। तो उन्होंने कोसी कला बॉर्डर पर बैरिकेड लगवा दिए, जिसको गाड़ी तोड़कर भाग गई। इसके बाद शेरगढ़ यूपी में अपनी टीम से फोन कर बोल दिया गया, जिसमें गाड़ी को रुकवा लिया गया और 29 भैंस व 14 पडरू बेरहमी से भरे हुए थे, सभी को मुफ्त कराकर सुरक्षित गौशाला भिजवा दिया गया। आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बता दें कि आरोपियों की पहचान सलीम चरखी दादरी, रमेश मीणा अलवर, गोपाल अलवर के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि जीव जंतुओं पर किसी भी तरह का अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा, यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और लगातार कार्रवाई की जाती रहेगी। आप देख रहे हैं अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवा सिटी न्यूज। रोजाना खबर देखने के लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना देखें मेवात, पलवल, रेवाड़ी, भरतपुर, अलवर, गुरुग्राम सहित तमाम जिलों की ताजा खबरें रोजाना देखना ना भूलें, सिर्फ मेवात सिटी न्यूज पर। लूट, हत्या, किडनैपिंग, बलात्कार, भ्रष्टाचार, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरों के अलावा जिला प्रशासन, नेताओं से जुड़ी तमाम खबरें रोजाना जरूर देखिएगा।